जी संगत जी और गुरु महाराज जी की ये कार्ड्स वाली ब्लेसिंग आ गई है, जो कि आज बहुत सारी संगत है जिनके पास गुरु महाराज जी का सब रूप तक नहीं है, और ये सेवा दी है मेरे मासी के बेटे दीपक ने। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आप भी आना दीपक भाई जी। बिल्कुल जी। कब आओगे? आज शाम को 4 से 6 बजे तक सत्संग है, तो देखना जब टाइम लगे, क्योंकि एक्चुअली संगत जी ये थोड़ा बिजनेसमैन है, काम करता है, तो टाइम नहीं होता, टाइम निकालना पड़ता है गुरु महाराज से मिलने के लिए, टाइम निकालना पड़ता है। ठीक है, तो जरूर आना। तो बहुत बहुत शुक्राना ये ब्लेसिंग के लिए। जय गुरु जी। इतने दिनों से, कितने दिनों से पता है, मेरे ख्याल से आज 54 या 55 आई थिंक, हाँ इतने ही हो गए हैं दिन, इतने दिनों से अमृत वर्षा हो रही हो, तो वो गुरु स्थान कितना पवित्र होगा, कितना पवित्र स्थान गुरु जी ने चुना होगा वो अपने लिए, जहाँ वो रोज़ दर्शन दे रहे हैं, अपना होने का एहसास करा रहे हैं। तो उस गुरु स्थान को हम सब ने मिलके एकजुट होके साफ़ सुथरा स्वच्छ रखना है। यहाँ से हमें खुशबू ही खुशबू आए, फूलों की महक आए, इत्र की महक आए, तो आओ मिलके वायदा करें, प्रण लें कि अपने गुरु दरबार को हमने साफ और सुथरा रखना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी और मैं भी गुरुद्वार में पहुंचने ही वाली हूं, और कुछ ही देर में गुरु महाराज जी का शुरू हो जाएगा सत्संग। जय गुरु जी। और दरबार बहुत ही सुंदर सज रहा है। जय गुरु जी। बड़ा सुंदर दरबार सज गया है, फूलों की खुशबू से महक रहा है। तो ये हमारे सेवादार अंकल हैं जो कि चाय प्रसाद का काम कर रहे हैं, गुरु महाराज ने चाय प्रसाद की ड्यूटी इन्हें सौंपी हुई है। भाई गुरु महाराज से आशीर्वाद लेना और इसी में इतनी बरकत डालें कि जितने संगत है इसी से भुगतान हो जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। तो सारी सेवा कर रही है संगत, गुरु महाराज ने हमें ये सेवा बख्शी हुई है, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज जी देने लगे हैं दर्शन, आंखों में से जल की बूंद निकल रही है और कान के पास भी जल की बूंद है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल आप जो हमें दर्शन देते हैं, अपना होने का एहसास कराते हैं। और ये देखिए लॉकेट पर गुरु जी के गाल पर संगत जी कितनी मोटी जल की बूंद है, बस यही दर्शनों को हम तरसते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना अनंतम। बारी बारी करो सारे दर्शन संगत जी। जय गुरु जी। टच नहीं करना भाई, टच नहीं करना। ओ भाई बड़ी ब्लेसिंग मिली है। चोले में बहुत ही इतरा रहे हैं, बेहद खूबसूरत लग रहे हैं भाई, इतराएं क्यों नहीं। तो संगत जी ये देखिए गुरु महाराज जी की चुनरी अपने आप हिल रही है, यहाँ कोई भी पंखा नहीं चल रहा है, बिल्कुल पंखा बंद है, बट गुरु जी आज अपनी ये चुनरी हिला हिला के दर्शन दे रहे हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ये देखिए संगत जी कैसे चुनरी हिल रही है गुरु महाराज की। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हर पल अपना होने का एहसास देते हैं संगत जी। और आज मैं आपको गुरु जी की बहुत ही प्यारी जुत्ती दिखाने लगी हूँ, उनकी मोजरी मंगाई है, ये श्रीनगर से मोजरी आई है गुरु महाराज जी की, बिल्कुल मैचिंग उनके चोले के साथ, जैसे कि चोले पे ये जो गोल्डन कलर की ये साइडों पे लेस दी गई है, वैसे ही मैचिंग गुरु महाराज जी की ये जुत्ती। गुरु महाराज जी अपने नन्हे नन्हे कदमों से, अपने प्यारे प्यारे कदमों से सारी संगतों के घर में फेरा लगाना, सभी की रोग बीमारियां दुख तकलीफें दूर करना। और संगत जी ये खाली हमारा ही नहीं, आप सबका गुरु दरबार है, और अपने गुरु दरबार को साफ और स्वच्छ रखना हम सबका काम है संगत जी। बहुत सारी संगत आती है, देखो कितनी साफ सफाई यहाँ की गई है। तो जो संगत आती है जिनको भी नहीं पता, तो कोई यहाँ बॉटल्स यहाँ नीचे घुसा देता है, कोई यहाँ, और कोई यहाँ हाथ दीवारों पे लगा देता है, कोई खा पी के यहाँ छोड़ देता है। तो संगत जी गुस्सा नहीं करना है, ये हम सबका सांझा दरबार है, ये गुरु महाराज जी का दरबार है, ये गुरु महाराज जी ने हमारे लिए एक अपना दरबार बनाया है। और कहते हैं यहाँ इतने दिनों से अमृत वर्षा हो रही हो, गुरु महाराज जी खुद करवाते हैं वहाँ अपना स्थान चुनने के लिए, और वो हमेशा एक साफ़ और स्वच्छ जगह चुनते हैं। तो अगर उन्होंने ये स्थान चुना है साफ और स्वच्छ, तो हमारे भी कोई फर्ज है संगत जी। तो मेरी प्यारी संगत जी, ये हम सबका गुरु दरबार है, ये सांझा गुरु दरबार है, ना मेरा ना तेरा, ये सबका गुरु दरबार है। तो इसे जितना साफ और सुथरा और स्वच्छ रखा जाएगा उतना ही हम सबके लिए अच्छा होगा, क्योंकि गुरु महाराज जी डिसिप्लिन के बहुत पक्के हैं, आप सबको पता है। तो सत्संग के दौरान कोई भी अपना फ़ोन ऑन नहीं करेगा,
बातचीत नहीं करेगा, डायरेक्ट कनेक्शन बनाएगा गुरु महाराज जी के साथ करेगा, मैं वाले फोन कर लेना। हाँ ये सही है, ये सही है आंटी, ये सही है। जय गुरु जी। हाँ और साथ ही में संगत जी आप सबको एक ध्यान रखना है, आप जब भी अपना डिवाइन लंगर प्रसाद खाओगे, जो भी आपकी प्लेट डिस्पोजल जो भी होगा आप अपने पास रखेंगे, सेवादार आपसे खुद ले लेंगे, आपको नहीं उठना है बीच में, क्योंकि और साथ में बहुत सारी संगत ने शायद जो नहीं है उनको नहीं भी पता चलता, इधर उधर ठूसी होती है बॉटल्स प्लेट्स, तो क्या फायदा अपने दरबार को, हमें स्वच्छ रखना है बस। इन शॉर्ट हमें अपने दरबार को स्वच्छ साफ और सुंदर बनाना है, ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाहर बहुत सारी संगत आ रही है, नीचे बिल्कुल भी बैठने की जगह नहीं बची है, अब गुरु जी खुद ही अपना दरबार खुला करेंगे, वही खुद जगह बनाएंगे। जय दूर दूर से संगत आ रही है गुरु दरबार में और सब अपनी हाजिरी लगा रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं, गुरु जी से अपनी दुख तकलीफें शेयर कर रहे हैं। बहुत सारी संगत आई है, संगत और कुछ नई संगत भी आई है आज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे गुरु महाराज, आपके दरबार में ये मेले सदा ही चलते रहे, दीन दुखियों के दुख तकलीफें दूर होती रहे, कष्ट मिटते रहे, कोई भी आपके दरबार से खाली ना जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। बहुत ही मधुर मधुर भजन चल रहे हैं, 2 घंटे की प्लेलिस्ट चल रही है संगत जी, और सारी संगत डूबी हुई है गुरु महाराज जी के भजनों में, सभी का कनेक्शन बना हुआ है। डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की मैं आपसे बात करती हूँ संगत जी हमेशा, तो सारी संगत आज बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट में बैठी हुई है और गुरु महाराज से अपने मन की बात कर रही है, और संगत का आना जाना लगा ही रहा है, क्योंकि जो भी नई संगत आ रही है तो वो सीधा ऊपर पहले मत्था टेकने को आ रही है, और कहीं भी जगह नहीं है, सीढ़ियों में, नीचे कमरे में, हॉल में, जहाँ भी देखो संगत ही संगत, और बहुत ही प्यारी संगत है जिन्होंने खुद ही अपनी एडजस्टमेंट कर ली है, किसी को कोई तकलीफ नहीं दे रही है संगत, बहुत ही समझदार और प्यार भरी संगत है हमारी गुरु परिवार में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी, आपने इतना अच्छा गुरु परिवार दिया, जो मिलजुल कर एक दूसरे को समझ रहे हैं, सोच रहे हैं और एक दूसरे का साथ दे रहे हैं और सेवा से बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहे। जय गुरु जी। सत्संग करा सकता है अपनी इच्छा से, ये सबका सांझा दरबार है गुरु महाराज जी का। तो सबसे पहले संगत जी मिलके लगा लेते हैं हाजिरी, और उसके बाद विनीता आंटी करेंगे संगत का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, 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 धन धन 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 गुरु जी, वाह वाह 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 गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना, यहाँ नेत्र में से कुछ निकला और यहाँ आगे जम गया है ना, बहुत सारे तो गुरु महाराज जी हमें अपना होने का प्रमाण हर पल देते हैं, और मैं तो कहती हूँ वो ना भी दे तब भी वो साक्षात यहाँ बैठे हुए हैं। जय गुरु जी, राना गुरु जी, और विजिता आंटी आप
संगत का सारी का शुक्राना कीजिए। जय गुरुराना संगत जी आप सभी और ये तो लगा जय गुरु जी जय जयकारा शरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा हम सबके प्यारे गुरु महाराज जी का बोल सांचे दरबार की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। संगत जी और आज इस बच्ची ने खुद ही कड़ा प्रसाद बनाया है। पहली बार बनाया कि बार पहले भी बनाया है? नहीं प्रसाद तो पहली बार बनाया। जय गुरु जी जय गुरु जी। दो प्रसाद आप सभी को। गुरु जी शुक्राना गुरु जी आज मैं इनकी वजह से आई हूँ। मैंने इनका यूट्यूब में देखा था, इनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बुलाया था। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना। दिखा दिया ना गुरु जी ने रास्ता, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? रोना नहीं आंटी, रोना नहीं है। सब देख रहे हैं, रोना नहीं है, बस रोना नहीं है। देखो गुरु जी देख रहे हैं आपको, रोना नहीं है। आज ना सुबह मैं रात को यहाँ से 11:30 गई थी ना गुरुजी के यहाँ पे आई थी जी। तो जब मैं रात को गई तो मैं बहुत थकी हुई थी, तो मैं नहाई, मैंने कहा मैंने आराम से सोना क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना है गुरुजी के लिए फूल लेने जैसे। तो मेरी 2-3 बार नींद खुली, मैंने कहा फिर तीसरी बार जब मम्मा मुझे नीचे बोले कि अभी जाना है मेरे साथ, मैं मन में सोचा मैंने नहीं जाना यार, मैं थकी हुई हूँ, मेरे भाई को ले जाओ, मैंने जाना, मैं लेट उठूंगी, मेरे को और भी बहुत काम करने आज। मैंने कहा सो जाती हूँ। मैं जैसे सोई मुझे जैसे कोई चींक के उठाता है ना जोर से, जैसे कोई हिलाता है, वैसी आवाज़ आई उठने की कि उठ के ऊपर। मैं 1 सेकंड में उठ के भाग भाग के, मुझे लगा मेरे पापा बुला रहे हैं क्योंकि वो बोल रहे हैं कि सोई है कब से, जा नहीं रही मम्मी के साथ। उठ के जाके देखा मेरे पापा भी सोए थे, सारे घर में सोए हैं, तो मुझे नहीं पता गुरु जी आए बोलते उठ के जाओ। और मैं उसी टाइम मेरी पूरी होश आ गई, मैं चली गई मम्मा के हार लेने। और जब आप दरबार पे आए हो दर्शन भी हुए ना आपको? मेरे को दर्शन भी हुए। और यहाँ पे एक बात है, मैंने कभी भी ना बोला नहीं है कि मुझे ये चीज़ दे दो, पर मैंने मन में जो जो चीज़ें सोची है ना वो हमेशा हुई है, हमेशा। मतलब एक भी बारी नहीं, फर्स्ट टाइम मुझे हुआ था जब मैं सत्संग पे आई, मैंने कहा मेरी नानी ना मिठाई ले रहे थे, तो मेरा मन कर रहा था मैं बोलूं गुलाब जामुन ले लो यार, क्या बर्फी लेनी है मुझे, गुलाब जामुन खाना है, मैंने नहीं बोला। तो जैसे मैं यहाँ आई, आते ही मुझे गुलाब जामुन। जय गुरु। फिर एक दिन प्रसाद बांटने लगे, थोड़ा थोड़ा सा पूड़े का प्रसाद दिया, मेरे को पूड़े बहुत पसंद है, मैं मन में पीछे बोलूं इतना सा पूड़ा दिया है, पूरा खाना था क्यों दिया इतना, जैसे ही खाने को पूरा पूरा मिला। जय गुरु जी। फिर उसके बाद क्या हुआ, अभी जब यहाँ पे कड़ा प्रसाद चढ़ाया था, मैं पूरे रास्ते बोलती आई मेरे को नहीं पता कैसा मीठा बना, चुप करके खा रहे, मैंने कुछ नहीं पता, जो बनाया ना आपने पहले बना ही रहे थे, फिर जो बना चुप करके खा लेना इसको, वो भी ठीक है। फिर जब उन्होंने रुमाल दिए, जब रुमाल दिए ना उस वाली उस पर रुमाल नहीं था, मैं मन में तो जब बैठ कर थी, मैंने कहा इसके ऊपर रुमाल ले लो, मैंने बोल दिया आपको, उसी टाइम रुमाल भी रख दिया उन्होंने। जितनी बात आपने किसको बोला, मतलब मन में उन्हीं को बोला। अच्छा गुरु जी का बोला। और इसके अंदर से ना अपने खाना भी है, मैंने कट्टी हो जाना नहीं खाया। जय गुरु जी। तो उन्होंने मान लिया, उन्होंने खाया। ये विश्वास की जीत है, सच्चाई की जीत है ये। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी। सितंबर को भी मंडे को सत्संग हुआ, तो घर पर गुरुजी की कृपा से घर पर ही सत्संग करवाया। गुरुजी ने तो रात को 2:30 के करीब मेरे हस्बैंड मेरे अंकल उठे और वॉशरूम जा रहे थे, तो एसी ऑन था, लाइट ऑन थी, तो मेरे हस्बैंड ऐसे ही मतलब बोलने लगे अपने मन में कि देखो एसी भी रखा ऑन और लाइट भी ऑन रखी, उनको भूल गया था कि सत्संग हुआ। इतनी देर में पूरी प्रॉपर गुरुजी के अंदर से आवाज़ आई, गुरुजी बोलते पुत्र मैं इतने सुत्ता हूँ। जय गुरु जी। तो ये जय गुरु जी। और ये ना डर के वापिस आ गए कि कौन बोल रहा है, जिस दिन हम आए थे आपके घर से। हाँ जिस दिन। अच्छा अच्छा जय गुरु जी। तो अगले दिन जब मैंने दोपहर को भोग लगाया तो गुरु जी ने पूरे ये जोत कर जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी। ये उस दिन भी दर्शन हो रहे थे। जय गुरु जी जय गुरु जी। संगत जी ये देखिए ये संगत जी दर्शन है एक तरह के। जय गुरु जी। पारुलांटी आप बहुत ही ब्लेस्ड हो। सारी उम्र तू मनाए जाए शिकल।
संगत जी, और आज के सत्संग का बहुत ही आनंद आया। जोलियां भर भर की सारी गुरु महाराज ने संगत को भेजा है, तो सारे मिलके एक बार बोल दो जय गुरु जी। बहुत बहुत जय गुरु जी। तो इसी के साथ अपना आज का ब्लॉग मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। मिलूंगी कल आपसे नए ब्लॉग में। देखते रहिए अनुराधा ब्लॉग, बी रियल जम्मू वाले। तो लगा दीजिए एक बार जोर से जयकारा जयकारा शेरा वाली का, जयकारा हम सबके गुरु महाराज का, वो दरबार की जय।